हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूक टीवी और मैं हूं दर्शना घटराज। आज की बुलेटिन है राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा पे, जो बुधवार को पाली जिले के जैतारण पहुंची। जोधपुर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा का दूसरा चरण भी आज शुरू हुआ है। राजस्थान पहुंचकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सबसे पहले रूप मुनि जी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचकर दर्शन किए। जैतारण की सभा में मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। जैतारण की सभा में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया और पूर्व की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। इस बार पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बजाय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को निशाने पर लिया। सीएम राजे ने पाली में गौरव यात्रा के दौरान पायलट पर हल्ला बोल करते हुए उन्हें राजनीति में नौसिखिया करार दिया। अपने संबोधन में सीएम राजे ने कहा कि पायलट अभी नए बच्चे हैं, वो राजस्थान और यहाँ की राजनीति को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के अतीत के गौरव को फिर जिंदा करना चाहते हैं, हम 36 कौम को गले लगाकर आगे ले जाएंगे। जैतारण की सभा में सीएम राजे जोधपुर संभाग के दौरान गौरव यात्रा पर हुई पत्थरबाजी पर भी बोली। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी सीएम पर नहीं बल्कि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के स्वाभिमान पर मारा गया है। इस अपमान को जनता कभी नहीं भूलने वाली। राजे ने इस दौरान सरकार की मौजूदा कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने 5 साल में किए काम गिनवाकर अगले चुनाव के लिए समर्थन मांगा और कहा कि राखी की लाज रखना। गौरतलब है कि सीएम राजे की गौरव यात्रा बुधवार को पाली पहुंची। बारिश के बीच सीएम राजे पाली के जैतारण पहुंची। यहां उन्होंने संत रूप मुनि के आश्रम में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैतारण में सभा से पहले वहां जमकर बरसात हो गई। सुबह हुई बारिश की वजह से सभा स्थल पर व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। हेलीपैड पर पानी भरने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। सभा स्थल पर तेज बारिश के कारण शामियाना भी गिर गया, जिसके चलते मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम बाल बाल बच गए। आज करेंगी अवा पैनोरामा का उद्घाटन। 1857 की उमर क्रांति का गवाह रहा अउवा, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा 160 साल बाद फिर से गांव को उसका स्वाभिमान मां सुगाली की प्रतिमा को अउवा पैनोरामा में स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही पूरे पैनोरामा में 1857 के महान क्रांतिकारियों का सचित्र वर्णन भी पैनोरामा में नजर आएगा। राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जा रहा पैनोरामा में उन वीर क्रांतिकारियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध किया। इसके साथ ही पैनोरामा में 24 स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 दिन न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट मार्शल कर बंदूकों से मौत के घाट उतार दिया था। हिंदुस्तान की ऐसी पहली घटना भी अउवा में घटित हुई। मुख्यमंत्री 30 अगस्त को सुबह 9 बजे हवाई मार्ग से अउवा पहुंच प्रदेश का सबसे बड़ा 1857 की क्रांति का पैनोरामा का उद्घाटन करेंगी। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।